हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेंचमार्किंग में हुए धोखे के बारे में। जी हाँ गाइस, धोखा जो आप लोगों के साथ हो रहा है और होता आएगा और फ्यूचर में भी होगा, और मैं आपको इस बारे में जो है वो अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप इस धोखे में नहीं पड़ना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक देखो। हो सकता है कल के दिन आप जो है वो कुछ जगहों पे जो है वो फेक बेंचमार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत बड़ी बड़ी जगह हैं, जो कि मैं भी बताऊँगा। एंड उनसे जो है वो तुम धोखा खा के गलत सामान ना खरीद लो, तो उसके लिए ये वीडियो एंड तक देखो। और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बारिश। तो अगर आपको बारिश की और बिजली कड़कने की आवाज़ आ जाती है बैकग्राउंड में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं ट्राई ये करूँगा कि मैं उसको एडिटिंग के दौरान काट दूँ या उसको फिल्टर करने की कोशिश करूँ। बट अगर तुम्हें फिर भी आवाज़ आती है तो मेरी गलती नहीं है उसमें, नेचुरल है, मैं बारिश को नहीं रोक सकता, हम अभी लेवल 1 सिविलाइजेशन नहीं है। एनीवेज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं अमेज़ॉन में किस चीज़ की सेल लगी है, कुछ अरे चल रहा है ना, कुछ फ्रीडम, ग्रेट इंडियन फ्रीडम सेल समथिंग कुछ सेल लगी है, तो प्लीज़ जाके चेकआउट करिए। एंड अगर आप कॉलेज या स्कूल में मैच्योर दिखना चाहते हो तो मैच्योर बैग खरीदिए, बहुत बढ़िया बैग मिलती है लेदर वाली अमेज़ॉन पे। यार डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप अमेज़ॉन से जो है वो एक मैच्योर बैग खरीद सकते हो, उससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। एंड हो सकता है वो मैच्योर बैग देख के आपको कोई मिल जाए जिसके साथ आप अपने पीसी गेम्स खेल सको और मेरी वीडियोज़ देख सको साथ में बैठ के, मेरे को 2 व्यूज़ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 2 लाइक्स मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो जाओ यार मैच्योर बैग खरीदो, तो चेकआउट करो जो भी सामान तुम्हें खरीदना है। मैंने कुछ बेस्ट डील्स जो है वो अपने कम्युनिटी टैब में डाली थी, आप चाहो तो वहां से वो सामान ले सकते हो, वरना नीचे दिए गए अमेज़न के डिस्क्रिप्शन लिंक से आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, चैनल को उससे सपोर्ट मिलेगा, कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो। बात करते हैं बेंचमार्क के ऊपर। तो गाइस, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कोई सीपीयू या जीपीयू या मोबाइल जीपीयू, मतलब मेरा मतलब लैपटॉप का जीपीयू या मोबाइल जीपीयू या मोबाइल सीपीयू को आप कंपेयर करते हो कि हाँ मुझे राइजन 3 लेना चाहिए या i3 लेना चाहिए या राइजन 5 लेना चाहिए या i5 लेना चाहिए, और आप गूगल में सर्च करते हो i5 वर्सेस राइजन 5। अगर आपने कभी ऐसा किया अपनी जिंदगी में तो आपने एक वेबसाइट के बारे में सुना होगा जिसका कि नाम है यूजर बेंचमार्क, और ये वेबसाइट जानी जाती है अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे नहीं पता उसको बता देता हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो होता है कि तुम अपनी वेबसाइट या अपने वीडियो को इतने अच्छे से उसके अंदर कीवर्ड्स और टैग्स और उसकी जो हेडलाइंस है वो इतने अच्छे से डालो, या उस आर्टिकल जो भी तुम्हारा है उसको इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज करो कि जब भी कोई उसको सर्च करे तो तुम्हारा जो आर्टिकल है या तुम्हारी जो वीडियो है वो सबसे ऊपर रैंक करे। ठीक है, तो यूजर बेंचमार्क जो वेबसाइट है ये देखी होगी आप लोगों ने, बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे इससे और कई लोगों ने विजिट भी किया होगा। आप ये जो वेबसाइट है ये आपको, मतलब आप कुछ भी सीपीयू डालो, आप मोबाइल लैपटॉप जो होता है ना, मोबाइल लैपटॉप नहीं मतलब मोबाइल ग्राफिक्स, आपका जो मोबाइल ग्राफिक्स होता है जैसे फॉर एग्जांपल MX150 हो गया जैसे आपका, या फिर तुम एक पल के लिए तुम पुरानी जनरेशन का सीपीयू ले लो, तुम कोई यू सीरीज का वाई सीरीज का मोबाइल लैपटॉप वाला सीपीयू ले लो, तुम कुछ भी वर्सेस कंपेयर कर लो, तुम 1050 Ti वर्सेस 1060 कर लो, तुम i5 वर्सेस i9 कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी सर्च करो इंटरनेट पे, तुम्हें सबसे ऊपर top 3 रिजल्ट्स में ये यूजर बेंचमार्क वाली वेबसाइट जरूर दिखेगी। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो नहीं जानते, वो कभी कभी फॉर एग्जांपल तुम एक लैपटॉप लेने वाले हो, अभी वो लैपटॉप बहुत सस्ता लैपटॉप है, चीप लैपटॉप है, उसके अंदर जो सीपीयू यूज़ हुआ है उसका किसी ने यूट्यूबर ने रिव्यू ही नहीं किया। ठीक है, अब तुम्हें उसके रिव्यू वीडियो मिल नहीं रहे हैं तो तुम गूगल पर जाकर सर्च करते हो कि भैया फलाना फलाना 8350U वर्सेस राइजन 5 समथिंग समथिंग यू, और तुम्हें ये वेबसाइट दिखती है। अब तुम इस वेबसाइट पे विजिट करते हो, तुम्हें बेंचमार्क्स के रिजल्ट्स दिखते हैं और तुम सोचते हो कि हाँ वेबसाइट है, ट्रस्टेड लग रही है भैया, तो मैं इस सीपीयू को बाय कर लेता हूँ। लेकिन इन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में क्या किया है, इन लोगों की वेबसाइट क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जानी जाती है और इनके डेली के तो मैं नहीं कहूँगा, इनके मंथली विजिटर्स आई थिंक 10 मिलियन से ऊपर है, मतलब इनकी साइट पे महीने के 10 मिलियन से ऊपर विजिटर्स आते हैं जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये लोग जो सीपीयूज और उनको बेंचमार्क करते हैं वो, तो इनकी जो बेंचमार्क मेथडोलॉजीज है वो कुछ इस प्रकार है। तो पहले ये जो है वो देखा करते थे 40% सिंगल कोर परफॉर्मेंस, 50% क्वाड कोर परफॉर्मेंस और 10% मल्टी कोर परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इन लोगों ने बोला है कि हम नया अपडेट ला रहे हैं और जो है वो उसमें हम जो देखेंगे वो देखेंगे 40% सिंगल कोर परफॉर्मेंस पहले की तरह ही, 58% क्वाड कोर परफॉर्मेंस, यानी कि क्वाड कोर परफॉर्मेंस को इन्होंने 58 कर दिया, और वो 8% जो एक्स्ट्रा लाया है और वो कर दिया इन्होंने मल्टी कोर से काटा है, मल्टी जो पहले 10% था वो कर दिया इन्होंने 2%, तो मल्टी कोर परफॉर्मेंस सिर्फ 2% देख रहे हैं। अब आप बोलोगे भैया इसका क्या फायदा या फिर इसका क्या नुकसान, क्या गलत कर दिया, बेंचमार्क है अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। नहीं गाइस, देखो असल में ऐसा है नहीं, इनके बेंचमार्क अगर जो इन्होंने चेंज किए उनके हिसाब से अगर तुम देखोगे तो इनकी वेबसाइट पे
इनकी वेबसाइट पर अगर तुम Ryzen 9 3900X जो कि एक 12 कोर का सीपीयू है, Zen 2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, आईपीसी में जिसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, बेहतरीन सीपीयू है, उसको अगर तुम कंपेयर करोगे i5 9600KF से जो कि 6 कोर का सीपीयू है, मात्र 6 कोर का, और तुम उसको कंपेयर कर रहे हो 12 कोर के सीपीयू से, तो वहां पे तुम्हें जो है वो सिर्फ Ryzen 9 जो 3900X है वो सिर्फ 1% फास्ट दिखेगा, मतलब लगभग लगभग दोनों सिमिलर हैं। एक 6 कोर का सीपीयू और एक 12 कोर का सीपीयू कैसे सिमिलर हो गए मुझे समझ नहीं आता। तो इनके हिसाब से भैया ये चीज है। तो अगर कोई एक यूजर जो इसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिसको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, जिसको अपने सीपीयूज के लिए जो है वो कुछ बस एक पता चाहिए उसके कि भाई ये दो सीपीयू हैं, इन दोनों में से बढ़िया कौन सा है, वो इंग्लिश यूट्यूबर्स की वीडियो देखता है, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, या उसको जो भी दिक्कत है, वो एक नूब है एक तरीके से समझ लो पीसी इंडस्ट्री में, वो दो लैपटॉप के सीपीयूज को कंपेयर कर रहा है जिसके रिव्यूज यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, या किसी ने रिव्यू नहीं किया, या कुछ भी चीज वो कर रहा है। तो यहां पे देखो इन लोगों ने इस हिसाब से उसको जज किया। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें कहां से लगता है कि Ryzen 9 से कंपेयर करेगा एक i5, वो भी लेटेस्ट Ryzen 9 से, हालांकि इससे पहले Ryzen 9 था नहीं, बट फिर भी समझ जाओ एक तरीके से लेटेस्ट सीपीयू है। इनके हिसाब से, चलो Ryzen को छोड़ दो, इनके हिसाब से अगर तुम इनके बेंचमार्क्स पे जाओ, इनके हिसाब से अगेन इंटेल को एक पल के लिए Ryzen को छोड़ देते हैं और इंटेल की तरफ आते हैं, इनके हिसाब से i3 9350KF वगैरह पार्ट हटा दो, वो तुम्हें कंफ्यूजन होगा, i3 समझ लो, 9th जनरेशन का जो i3 है उसको इन्होंने कंपेयर किया है कोर i9 9980XE, 18 कोर का सीपीयू है, i9 एक्सट्रीम सीरीज का सीपीयू, समझ रहे हो, एक्सट्रीम i9 एक्सट्रीम 18 कोर 9980XE, जो कि बहुत सारे लोग अफोर्ड कर भी नहीं सकते अपनी किडनी बेच के, ठीक है, इतना महंगा सीपीयू है वो, मतलब $2000 का है, बट ठीक है समझ जाओ कितना महंगा है, और उसको तुम कंपेयर कर रहे हो एक i3 से, तुम दो बहुत ही खतरनाक $2000 के सीपीयू को कंपेयर कर रहे हो एक $100, $150 के सीपीयू से, ठीक है, और उसमें भी तुम्हारा $150 का सीपीयू जीत रहा है, कैसे, क्योंकि इन लोगों ने मल्टी कोर परफॉर्मेंस को तो 2% कर दिया, ये लोग तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और सिंगल कोर परफॉर्मेंस में भैया i3 की बूस्ट क्लॉक ज़्यादा है कि नहीं बूस्ट क्लॉक। लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ, तुम एक i9 9980XE के साथ 2080Ti लगाते हो और एक तुम i3 के साथ 2080Ti लगाते हो, i3 तो बॉटलनेक कर जाएगा, तो क्या फायदा उसकी 5GHz की बूस्ट की सिंगल कोर परफॉर्मेंस की, क्या कर लोगे उसके बूस्ट का, जब वो उस उन 2080Ti को जो है वो यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा है, वो बॉटलनेक करेगा ना, तो वो चीज तो ये लोग देख ही नहीं रहे हैं, मल्टी कोर परफॉर्मेंस को तो 2% कर दिया, फोकस सिंगल कोर इंपॉर्टेंट है, सिंगल कोर इंपॉर्टेंट है, बट आज के जमाने में जहां पे तुम लेटेस्ट गेम्स देखो, तुम शैडो ऑफ द टूम रेडर देखो, तुम बैटलफील्ड 5 एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, जहां पे तुम i5 9400F और Ryzen 5 2600 छोड़ दो, 3600 नया है छोड़ दो, 2600 Ryzen 5 2600 और i5 9400F के बेंचमार्क्स देखो बैटलफील्ड 5 में, Ryzen 5 भले ही थोड़े कम FPS दे देगा, लेकिन उसके फ्रेम टाइम्स जो है वो कंसिस्टेंट रहेंगे, तुम्हें फ्रेम्स ड्रॉप होते हुए नहीं दिखेंगे, तुम्हें 1% और 0.1% लोस जो है वो उनके बीच में इतना बड़ा गैप नहीं देखने को मिलेगा, तुम्हें कंसिस्टेंट फ्रेम वो दिखेगा, फ्रेम टाइम कंसिस्टेंसी तुम्हें स्मूथ दिखेगी, तुम्हारे जो फ्रेम्स के बीच में डिफरेंसेस है वो इतना ज्यादा नहीं होगा जितना तुम्हें 9400F में देखने को मिलेगा। तो जो गेम्स हैं लेटेस्ट वो डेवलप हो रहे हैं मल्टी कोर की तरफ, और उस वक्त पे तुम देख रहे हो सिंगल कोर परफॉर्मेंस को, सिंगल कोर इंपॉर्टेंट है बट जरूरी नहीं है। अब कल के दिन मान लो कोई एक नूबड़ा बंदा है, बहुत नूब है, बहुत बड़ा नूब है, उसको चाहिए एक सीपीयू एडिटिंग करने के लिए अपनी वीडियोस को और लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, वो सर्च मारता है i9 वर्सेस i3, ठीक है, नूब है, उसको नहीं पता i9 क्या होता है, i3 क्या होता है, बस उसको करना है कुछ भी, उसने सर्च मारा, उसको ये दिखेगा तो वो तो i3 ले लेगा ना। अब कल के दिन इमेजिन करो वो i3 पे स्ट्रीमिंग कर रहा है और i3 पे एडिटिंग कर रहा है, बजाय उसकी कि वो i9 या कोई और सीपीयू ले सकता था। तो ये इनकी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो कि ये दिक्कत क्या है। अगर कल के दिन तुम्हें कभी भी कोई चीज़ सर्च माननी है तो प्लीज़ यूज़र बेंचमार्क्स ये जो वेबसाइट है इनके भरोसे मत रहो, और पता नहीं इन लोग ने क्या सोच के ऐसा करा है, लेकिन ये एक वाहियात चीज़ है। मतलब अब इनके हिसाब से अगर मैं मान के चलूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल कल के दिन अगर i9 9900K जो कि गेमिंग सीपीयू है, बहुत तगड़ा सीपीयू है, तुम जानते हो i9 9900K कितना बढ़िया गेमिंग सीपीयू है, कल के दिन अगर कोई एक सीपीयू आता है, कल के दिन एक i3 आता है जिसकी बूस्ट क्लॉक ना 5.2GHz है, बस i9 से ज्यादा है, भले उसके अंदर कोर्स नहीं है, i9 में 8 कोर 16 थ्रेड है, लेकिन एक i3 में कितने कोर्स हैं, सिर्फ 4 कोर, लेकिन बस उसकी बूस्ट क्लॉक ज्यादा है, थोड़ा सा बूस्ट ज्यादा हो जाता है, तो इनके बेंचमार्क्स के हिसाब से ना वो i3 i9 से बेस्ट होगा।
जबकि रियल वर्ल्ड में आप जानते हो कि i9 इज द बेस्ट बूस्ट क्लॉक. क्या तुम इस i3 को तुम क्या 5.5 GHz से बूस्ट कर लो, वो तब भी 20 TI को बॉटल नेक करेगा. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिव्यू करते हैं लेकिन बेंचमार्क नहीं दिखाते. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेंचमार्क दिखाते हैं बट कहीं से उठा के दिखा देते हैं किसी और के. कई लोगों को बेंचमार्क करना नहीं आता बट मैं बता रहा हूँ. और बेंचमार्क करने के कुछ स्पेशल नियम होते हैं, कुछ 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 एक सर्टेन कंडीशंस होती हैं, कुछ कुछ एक एक कुछ चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है जब तुम बेंचमार्क करते हो. तुम्हें जिस चीज़ का तुम बेंचमार्क कर रहे हो तुम्हें उसके अराउंड बाकी सारी चीज़ें सिमिलर रखनी पड़ती है, तभी तुम सिमिलर कंडीशंस में दो चीज़ों को बेंचमार्क कर सकते हो. ठीक है, तो वो चीज़ होती है. बहुत सारे लोग उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते, वो बस बोलेंगे कि बेंचमार्क ये छोड़ो, वो बस तुम्हें बेंचमार्क स्क्रीन पे दिखा देंगे. ठीक है, जबकि उसका कुछ मतलब नहीं बनता है. वो तुम्हें टेस्ट कंडीशंस नहीं बताएंगे कि उन्होंने किस कंडीशन में इसको टेस्ट किया. वो तुम्हें ये नहीं बताएंगे कि जब वो बेंचमार्क कर रहे थे तो वो जो ग्राफिक कार्ड का बेंचमार्क कर रहे थे उसके अंदर कौन से ड्राइवर वर्जन थे, क्योंकि ड्राइवर वर्जन के साथ परफॉर्मेंस बदलती रहती है ना. ये बात तुम जानते होंगे, पहले रे ट्रेसिंग के लिए खतरनाक ड्राइवर था जिसके अंदर 30 FPS मिल रहे थे, उसके बाद जो है वो नए पैचेस वगैरह आए जिसके बाद 60 FPS मिलने लगे. तो अगर तुम एक 60 FPS वाली वीडियो, अगर तुम एक 30 FPS वाली वीडियो देख रहे हो बाद में, तो तुमको तो ये लगेगा ना ये रिव्यूअर फर्जी वीडियो बना रहा है, लेकिन उसने तो पुराने ड्राइवर पे बनाई वीडियो. वो पता होना चाहिए कौन सी तुम्हारी विंडोज़ का लेटेस्ट ऑप्टिमाइज है नहीं है, तुम कौन सी कूलिंग कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ कर रहे हो. बिकॉज फॉर एग्जांपल एक i9 का तुमने बेंचमार्क किया और एक Ryzen 9 का, और i9 के सिस्टम में तुमने लगा दिया गंदा सा केस जिसके अंदर एयर फ्लो ही नहीं है, उसके अंदर जो 20 TI ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है वो उसको बेचारे को बूस्ट करने के लिए जो है वो ठंडी हवा नहीं मिल रही है, वो कूल नहीं हो पा रहा है, वो तो कम FPS देगा ना. तो तुमने जो i9 और Ryzen 9 का कंपैरिजन किया वो एक तरीके से गलत है ना. भले तुमने 20 TI दोनों में लगा के रखा लेकिन एक को एयर फ्लो मिल रहा था एक को नहीं मिल रहा था, या फिर एक को तुमने सुबह बेंचमार्क किया एक को दिन में करा, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा था, एनवीडिया की GPU बूस्ट 4.0 के अकॉर्डिंग जो है वो कार्ड अच्छे से बूस्ट नहीं कर पाया, या फिर जो भी दिक्कत है. तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, तुम्हें सिमिलर कंडीशंस रखनी पड़ती है. बेंचमार्क करना कोई ऐसा नहीं है कि तुमने बस गेम खोला, गेम में बेंचमार्क पर क्लिक किया, बस रन बेंचमार्क हो गया. ऐसा नहीं होता. हलवा नहीं है कि पकाया खाया छोटी कटोरी में डाल के निकल के प्रसाद समझ के मतलब बांट दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है. बेंचमार्क करने के अपने कंडीशंस होती हैं, अपनी कुछ सर्टेन चीज़ें होती हैं जो तुम्हें मेंटेन करके रखनी पड़ती है. तो प्लीज़ जब बेंचमार्क किसी के देखो तो उस बेंचमार्क को जो है वो देखो कि क्या ये बंदा इतना कैपेबल लग रहा है कि ये बेंचमार्क सही से कर सकता है, और फिर उसके बेंचमार्क पर ट्रस्ट करो. क्योंकि तुम अपनी मेहनत की कमाई या फिर अपने पेरेंट्स की मेहनत की कमाई का पैसा किसी एक बंदे के जिसने ऐसी हवाबाजी में बेंचमार्क कर दिया उसके रिव्यूज़ के बेसिस पे तुम अपना पैसा खर्च कर रहे हो. मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फ़ैन बॉयज़ बीच में आना चाहिए कि ये बंदा अच्छा रिव्यू बनाता है या अच्छा नहीं बनाता है या ये ऐसा है ये वैसा है. यहाँ पे फ़ैन बॉयज़ में नहीं आना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारा पैसा इन्वॉल्व है. तो प्लीज़ बेंचमार्क्स को ध्यान से देखिए. उम्मीद है तुमको आज की वीडियो पसंद आएगी और तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भाई बेंचमार्किंग में हो रहा है धोखा, एंड उस धोखे को ना खाने के लिए जो है वो यूज़र बेंचमार्क के बेंचमार्क देखना छोड़ दो, एंड प्लीज़ किसी ट्रस्टेड रिव्यूअर के बेंचमार्क्स पे भरोसा करो. उम्मीद है तुमको आज की वीडियो पसंद आएगी. धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइज़.